नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉरपोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। वित्त वर्ष 2024-25 में जरूरी दवाओं की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं होगी। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने आश्वासन दिया है कि जरूरी दवाओं की दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी। एनपीपीए सालाना डब्ल्यूपीआई के आधार पर अनुसूचित दवाओं की अधिकतम कीमतों में बदलाव करता है। जब महंगाई बढ़ती है तो इससे दवा की कीमतों में बढ़ोतरी होती है, और जब ये नीचे आती है तो दाम कम हो जाते हैं। इस साल महंगाई नहीं बढ़ी है, ये सिर्फ 0.005% है, इसलिए दवा कंपनियां इस साल कीमतों में मामूली बढ़ोतरी करेंगी। इस साल देश में सरसों का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। इंडस्ट्री बॉडी एसईए के मुताबिक साल 2023-24 सीजन में सरसों का उत्पादन 1.2 करोड़ टन हो सकता है। देश में 1 करोड़ हेक्टेयर में सरसों की खेती की गई है। सरसों रबी सीजन की एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है। 2022-21 में सरसों का उत्पादन 86 लाख टन और 2022-23 में 88 लाख टन था। सरसों का उत्पादन बढ़ने से खाद्य तेलों की घरेलू आपूर्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे खाद्य तेलों के आयात पर देश की निर्भरता कम होगी। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रेमिटेंस यानी विदेश में रहने वाले देशवासियों द्वारा अपने देश में भेजे जाने वाली रकम की लागत कम करने से जुड़ा एक प्रस्ताव WTO के सामने रखा है। भारत चाहता है कि रेमिटेंस की लागत को कम करने के लिए WTO के सदस्य देशों के बीच UPI जैसी ओपन और इंटर ऑपरेबल पेमेंट सिस्टम को अपनाया जाए। वैश्विक स्तर पर रेमिटेंस पर आने वाली लागत लगभग 6.18% है, जो संयुक्त राष्ट्र के 3% के लक्ष्य से काफी ज्यादा है। WTO के सदस्यों की एक बड़ी संख्या भारत के प्रस्ताव का समर्थन कर रही है, लेकिन अमेरिका और स्विट्जरलैंड इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि रेमिटेंस की वजह से इन देशों को भारी कमाई होती है। सरकारी बैंक कैनरा बैंक ने कई नए उत्पाद पेश किए हैं। सबसे अनूठा और नया उत्पाद है कैनरा हील, जिसके तहत बैंक अस्पताल में इलाज के खर्च को पूरा करने के लिए कर्ज देगा। अस्पताल के खर्चों को पूरा करने के लिए लोन फ्लोटिंग रेट के आधार पर 11.55% सालाना और फिक्स रेट के आधार पर 12.30% पर उपलब्ध होगा। स्वास्थ्य देखभाल लोन की सुविधा उन ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी जिनके इलाज का खर्चा बीमा राशि से ज्यादा है। इसके अलावा कैनरा बैंक ने महिलाओं के लिए कैनरा एंजल निःशुल्क बचत खाता भी पेश किया है। प्याज, टमाटर और आलू की कीमत में बढ़ोतरी होने से मार्च महीने में शाकाहारी थाली सालाना आधार पर 7% तक महंगी हो गई। क्रिसील मार्केट इंटेलिजेंस एंड एनालिसिस की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च महीने में पोल्ट्री की कीमत घटने से मांसाहारी थाली की कीमत 7% घटी है। शाकाहारी थाली की कीमत मार्च में बढ़कर 27.30 रुपये प्रति प्लेट हो गई। एक साल पहले समान अवधि में शाकाहारी थाली की कीमत 25.50 रुपये थी। मांसाहारी थाली की कीमत एक साल पहले 59.20 रुपये थी, जो इस साल मार्च में घटकर 54.90 रुपये रह गई। देश में अंग प्रत्यारोपण की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार अंगदान करने वालों का नेशनल डिजिटल डेटाबेस तैयार करने पर विचार कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये डेटाबेस नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर की तर्ज पर तैयार किया जाएगा और अंगदान करने वालों की जानकारी को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक डेटाबेस तैयार करने के काम को इस साल के अंत तक शुरू किया जा सकता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कैपिटल मार्केट और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट दोनों में 4 नए इंडेक्स लॉन्च करने की घोषणा की है। ये चारों नए इंडेक्स 8 अप्रैल से शुरू होंगे। इन 4 नए इंडेक्स में टाटा ग्रुप 25% कैप, निफ्टी 500 मल्टी कैप, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, निफ्टी 500 मल्टी कैप इंफ्रास्ट्रक्चर और निफ्टी मिड स्मॉल हेल्थ केयर शामिल है। नए इंडेक्स से निवेशकों को विशेष सेगमेंट पर फोकस्ड इंडेक्स में निवेश करने का मौका मिलेगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में अपने कम्युनिटी नोट्स प्रोग्राम का विस्तार किया है। ये एक फैक्ट चेक फीचर है जो लोगों को संभावित रूप से भ्रामक पोस्ट के बारे में जागरूक करती है। भारत में कम्युनिटी नोट्स प्रोग्राम की शुरुआत ऐसे समय पर की जा रही है जब भारत में आम चुनाव शुरू होने जा रहे हैं। भारत में शुरू होने के बाद कम्युनिटी नोट्स प्रोग्राम अब 69 देशों में उपलब्ध है।
इस साल सीनियर लेवल पर काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 20% का इजाफा होने की उम्मीद है। माइकल पेज इंडिया सैलरी गाइड 2024 के मुताबिक आईटी और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जूनियर कर्मचारियों की सैलरी में 35 से 45%, मिडिल लेवल के अधिकारियों की सैलरी में 30 से 40% और सीनियर मैनेजमेंट की सैलरी में 20 से 30% की बढ़ोतरी होगी। प्रॉपर्टी और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जूनियर लेवल पर 20 से 40%, मीडियम लेवल पर 25 से 45% और सीनियर लेवल पर 20 से 40% तक की सैलरी बढ़ने का अनुमान है। विस्तारा क्राइसिस के बाद कई घरेलू मार्गों पर हवाई किराया बढ़ गया है। पायलट की कमी के कारण विस्तारा ने 100 से ज्यादा उड़ानें रद्द कर दी हैं। ऐसे में अचानक बड़ी मांग की वजह से प्रमुख मार्गों पर किराया 38% तक बढ़ गया। दिल्ली इंदौर, दिल्ली श्रीनगर, मुंबई कोची और बेंगलुरु उदयपुर जैसे मार्गों पर किराया सबसे ज्यादा बढ़ा है। विस्तारा की उड़ानें रद्द होने के तुरंत बाद दूसरी उड़ान के लिए यात्रियों को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। विस्तारा के पायलट और क्रू मेंबर्स वेतन समझौते के विरोध में अवकाश पर चले गए हैं। इस वजह से ये संकट खड़ा हुआ है। और अब आज की आखिरी खबर नई कार खरीदने की योजना बनाने वालों के लिए है। मारुति सुजुकी ने अपने कई लोकप्रिय मॉडल्स पर डिस्काउंट की घोषणा की है। कंपनी बलेनो, फ्रॉन्क्स, जिमनी, सियाज, ग्रैंड विटारा और इग्निस पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट दे रही है। ये छूट 30 अप्रैल 2024 तक उपलब्ध रहेगी। तो आज की मनी टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए मनी नाइन के सुपर ऐप को आप जरूर डाउनलोड कर लें। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक देना ना भूलें। नमस्कार, शुभ रात्रि।